जे पगला मिल के रोवेला बिछड़ के कितना रोये रे, जे पगली मिल के रोवेले बिछड़ के कितना रोये रे। जल्दी बीचे नैया डोले, कितना बड़ा गाना बंगली निया, कितना बड़ा गाना ब्लास्ट हो जाता है। इन्हीं के साथ साथ इनकी गायकी भी जबरदस्त है। एक गो दिल मंगा भैया हजार बार, गाना एकदम धमाल मचौले बा मार्केट में। ये जो हमारे बगल में बैठे हैं भैया, ये हमारे आदर्श हैं नागेंद्र भैया, इनका एक गाना हम गुनगुनाना चाहेंगे। कि हमके पीछे तू कबले घुमैबू हो, अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू हो, कि हे सुने खाते दिल बेकरार बा, कि ये हो का हो, एक गो दिल मंगा भैया हजार बा। गाना एकदम धमाल मचौले बा मार्केट में, लगातार खूब बाजल, इतना साफ सुथरा ही गाना बनू। लोग बोलते हैं ना असली अच्छा गाना नहीं चलता है, तो देखिए ये है नागेंद्र उजाला, इनका सारे गाने मिलियन 50 मिलियन। अब बताइए कितना अच्छा अच्छा गाना 50 मिलियन, तो बोलते हैं तो इनसे सीखिए। भैया क्या कहिएगा, आपके गाने बढ़िया बढ़िया जब बजते हैं मार्केट में, हम जब जाते हैं अश्लील कलाकारों के पास, वो बोलते कि मेरा अच्छा गाना नहीं चलता है इसलिए हम अश्लील सुनते हैं, तो उनको क्या कहिए? सबसे पहले आपको प्रणाम, और आपके चैनल देखने वाले जो भी आदरणीय भगवान रूपी दर्शक हैं, 10 उंगली जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है जब साफ सुथरे गाने मार्केट में बजते हैं, वो हमारे गाने हो या किसी के भी गाने हो, बहुत अच्छा लगता है। और जो है विजय जी अभी उस गीत को गुनगुनाए। विजय जी के बारे में मैं क्या कहूँ, इनकी एक फिल्म आ रही है साजिश। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि जब ये फिल्म आए सिनेमा घर में लगे, आप लोग जरूर देखें, YouTube पे रिलीज हो इसके गाने, तो आप लोग जो है सुने, वीडियो देखें। पहली फिल्म है और शुरुआत किए हैं, इसका पोस्टर जो है इतना तेजी से वायरल हो रहा है, इतना बेहतरीन बना हुआ है, तो पोस्टर उतना बेहतरीन है तो फिल्म में क्या होगा। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ अपने टीम की तरफ से, और आशा नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी काफी आशीर्वाद प्यार दुलार इनकी फिल्म को देंगे। ये इनकी फिल्म नहीं है, ये हम सब की फिल्म है। अभी आपने एक सवाल किया भैया से कि कुछ लोग कहते हैं अच्छी फिल्में आती है तो सपोर्ट नहीं किया जाता है। मैं सबसे पुनः कहूंगा कि जो भी अच्छी फिल्में आती है, जो अच्छे गीत आते हैं, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो उस कलाकार का मनोबल बढ़ेगा, उस टीम का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि एक गीत तैयार करने में पूरी एक टीम लगती है। एक गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं, जिस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होता है उनको भी उम्मीद रहता है, कंपनी से रिलीज होता है, उसके बाद से तमाम टेक्नीशियन काम करते हैं उसमें, तो सबको उम्मीद रहता है। तो आप जब बेहतर रिजल्ट देंगे, कलाकार का मनोबल ऊंचा होगा, तो कोई क्यों अश्लील गीत गाएगा, ठीक है? और मैं कलाकारों से भी कहूंगा कि आपके सामने अच्छे अच्छे गाने भी आते हैं और चलते भी हैं, तो हम लोग एक दूसरे पे दोषारोपण बंद करके बढ़िया चीज गाएं और आप लोग बढ़िया चीजों को सपोर्ट करें। आपने कहा कि खेसारी अभिया की फिल्म आ रही है तो लाइव आकर के बोल रहे हैं कि हमको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। मैंने भी ट्रेलर देखा, संघर्ष 2, इतनी अच्छी फिल्म बनी है। मैं हाथ जोड़ करके उस फिल्म के लिए भी निवेदन कर रहा हूँ। इसमें ये भेदभाव नहीं रखना है कि ये इन कलाकार का उन कलाकार का, ऐसा कुछ नहीं। ये भोजपुरी की फिल्म है, भोजपुरी की फिल्म है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष की फिल्म नहीं है। हमको भोजपुरी समझ करके उसको सपोर्ट करना है, तभी ना इतना पैसा लग रहा है। मनोबल टूट जाएगा प्रोड्यूसर का तो फिल्म क्या, अगले बार से वो फिल्म बनाएंगे? अगले बार मान लिया हिम्मत जुटाकर बना दिए, फिर हिम्मत टूट गया तो फिर क्या करेंगे? वो भोजपुरी गड्ढे में चलती जाएगी ना, ऊपर कहां जाए? तो देखने वाले हम और आप हैं, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी फिल्में आती है, देखना चाहिए, और दूसरे को प्रेरित करना चाहिए देखने के लिए भी, जैसे साउथ में होता है, एक फिल्म रिलीज होती है तो परिवार के सदस्य लोग जा करके देखते हैं। और फिल्म मेकर को भी वैसे फिल्म बनानी चाहिए ताकि जो दोषारोपण होता है कि फिल्म परिवार के बीच में बैठ करके देखने वाली नहीं आ रही है, तो ये भी दोनों तरफ से जो है हम सबको समझना चाहिए, और अच्छी फिल्मों का आप लोग सपोर्ट करें, प्यार दें, आशीर्वाद दें, ताकि हमारी भोजपुरी पहले से भी जो है
काफी ऊपर है और दिन प्रतिदिन जो हमारी भोजपुरी ऊपर जाते रहे। भैया ट्रेंडिंग में चल रहा है भोजपुरी, पूरे यूट्यूब पर देखिएगा ना, ट्रेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए तो गर्व की बात है। बिल्कुल गर्व की बात है, जो हमारी भोजपुरी भाषा है सबसे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हमारी भाषा है और सबसे ज्यादा हम लोग हैं भोजपुरी भाषी हैं, तो हमारी जो भी हम गाने आ रहे हैं तो भी ट्रेंडिंग बॉलीवुड के गाने देखिए, भोजपुरी गाने देखिए, पर डे भोजपुरी के गाने जो है ट्रेंडिंग में। और विजय जी के बारे में क्या कहना, इनकी लेखनी, इनके कंपोजिशन, इनकी गायकी, अब हम लोग देखेंगे इनकी। हम तो कायल है भैया, हम तो कायल है, हम इनका देखते हैं ना गाना का लाइन, तो मैं देखता हूँ कि कैसे दिमाग में आता है, कैसे कलम में बैठ। मिट्टी की चीज, मिट्टी से जुड़ी हुई बातें लेकर के आते हैं। नदी बीचे नैया डोले, कितना बड़ा गाना, बंगलिनिया कितना बड़ा गाना, ब्लास्ट हो जाता है। इन्हीं के साथ साथ इनकी गायकी भी जबरदस्त है, पगला पगली सुनिए। जब हम लोग कहीं निकलते हैं यात्रा पर, सफर पर, तो उस गीत को मेरे गाड़ी में पर्सनल 3 से 4 बार जरूर वो गाड़ी में हम भी सुनते हैं भैया। इनका लाइन जो है वही तो बोल रहे हैं, इनका लाइन जो होता है ना गजब का, तो मैं चाहूंगा कि एक लाइन ये पुनः गुनगुना दें। पगला वाला जे पगली मिल के रोवे ले बिछड़ के कितना रोई रे, याद आई बेकोरी पोछ तई बेकोरी लोरावा से ताकिया भी गई रे। जे पगला मिल के रोवेला बिछड़ के कितना रोई रे, जे पगला मिल के रोवेला बिछड़ के कितना रोई रे। आप अभी 1, 2, 3, 4, 5 कलाकारों के बीच बैठे हैं, सबसे गवाई ये गाना। ये हमारी बहन अंजलि भारती बहुत ही बेहतरीन गायिका, इधर हमारे पवन राजा जी हैं, पवन भैया बहुत ही अच्छे गायक कलाकार। सबसे आप पूछिए सवाल, सब लोग हमारे फिल्म के बारे में बोली। अच्छा क्या कहेंगे, लिखते अब पिक्चर में चले गए, हीरो बन गए, क्या कहिए, क्या होगा आने वाले दिन में इनके पिक्चर का। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम, और मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं क्या कहूँगी, एक बहन को भाई के लिए क्या प्यार होता है ये सब जानते हैं, और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे भाई और बड़े हों और शेर के तरह दहाड़ते रहें। और इनका फिल्म आने वाला है, तो उस फिल्म को भी आप सभी लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, और जितना हो सके सभी लोग सपोर्ट करिए। और एक गाना हो जाए बढ़िया। गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हरे, गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हरे, गजमोती चौका पुरायो सुनाओ रघु नंदन हरे। अंजलि भारती के गाने की क्या कहना है, ये खाली विवाह गीत ज्यादा गाती है, मैं देखता हूँ ना तो हमेशा विवाह गीत गाती रहती है। चलिए अच्छा गाती है, वीडियो लंबा हो रहा, थोड़ा मैं कम बात कर ले रहा हूँ जी। लंबा कीजिए वीडियो को, उसमें से काट काट के चढ़ा दीजिएगा, काट काट के चढ़ा दीजिए, मतलब 3-4 पार्ट कर दीजिए और क्या।